अब दिल्ली के अंदर जो भी बच्चे पैदा होंगे, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर का बच्चा है, उसको वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जाएगी, सबसे बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आज बनती है और अगले साल से बच्चों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है? 2018 का आंकड़ा बता रहा है कि 1,12,000 बच्चे अपीयर हुए। भैया, 4 साल पहले जिस दिल्ली में 12वीं के बच्चे 1,66,000 पे पहुंच गए थे, आज 1,12,000 पे आ गए, तो क्यों आ गए? आपको बताना चाहिए ना कि ये 54,000 बच्चे, 50,000 से ज़्यादा बच्चे कहाँ गायब हो गए? क्या दिल्ली की आबादी घट गई? क्या दिल्ली के बच्चे पढ़ना बंद कर दिए? नहीं। ये आप अब इसके कारणों में जाएंगे तो पता चलेगा कि 9वीं के क्लास में ये आधे बच्चों को फेल कर रहे हैं हर साल। ये बच्चा जैसे ही 10वीं में जाता है, 10वीं में अगर कोई धोखे से फेल हो गया तो उसको दोबारा एडमिशन नहीं देते। आप जैसे ही 11वीं में जाओगे तो 11वीं में एक तिहाई बच्चों को फेल कर देंगे, और जैसे ही 12वीं में बच्चे अगर फेल हो गए तो उसको दोबारा एडमिशन ही नहीं देंगे। और डेटा यही बोलता है, और इनका सरकारी आंकड़ा बोलता है, केवल एक साल में 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले 91% बच्चों को इन्होंने एडमिशन नहीं दिया। 9वीं से लेकर 12वीं तक में फेल हुए टोटल बच्चों में से लगभग 1,55,000 बच्चे फेल हुए थे, 1,02,000 बच्चों को रीएडमिशन नहीं मिला। रीएडमिशन नहीं मिला मतलब वो बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर निकाल दिए गए। यहाँ से हजारों विद्यार्थियों को, लगभग 60,000 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने पत्राचार और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दिए। बहुत सारे बच्चों को ये इधर उधर भेजते रहते हैं। बच्चे स्कूली शिक्षा से आज दिल्ली के बच्चे वंचित हो रहे हैं। 10वीं की रिजल्ट आज दिल्ली का राष्ट्रीय जो नेशनल एवरेज है उससे भी कम है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भैया, किसको बना रहे हो? दिल्ली के पास केवल 1,030 स्कूल है, केवल 1,030 स्कूल। आपके लिए 1,030 स्कूल आपके अपने होने चाहिए। आप 2 स्कूलों में स्विमिंग पूल बना के और दुनिया को ये दिखा रहे हो कि हमने तो पूरे सारे स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिए और अब अमेरिका के बच्चे यहीं आके पढ़ने वाले हैं। ये जो बातें आप बोल रहे हो ना, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन जो गरीब जो लोग हैं ना, जिनके बच्चों को आपने स्कूलों से बाहर किया है, वो बच्चे जो हैं, उनके बच्चे और उनके माता पिता, वो इस चुनाव में वो आपसे बात करेंगे कि आपके जो शिक्षा क्रांति है उसकी सारी भ्रांति वो निकालने की कोशिश करेंगे।